राजनीति में क्या सच है और क्या है दिखावा, इसको तय कर पाना मुश्किल है। एनसीपी पार्टी के टूटने से लगातार शरद पवार खुद को और अपने कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिला रहे हैं कि कुछ भी नहीं बदला। वहीं विपक्ष खेमे की 26 पार्टियां कर्नाटक के बेंगलुरु में एक टेबल पर बैठी है। किसकी सियासी ताकत ज़्यादा है और कौन घुटने टेकेगा, ये सब 2024 में देश की जनता तय करेगी। लेकिन जनता की अदालत में जाने से पहले नंबर गेम के जरिए अपना दम दिखाने की कोशिश जारी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में हो रही, जिसमें भविष्य का रोड मैप तैयार होगा। पटना के बाद ये दूसरी मीटिंग है, लिहाजा आज की बैठक का एजेंडा भी तय है, जिसके तहत 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और कम्युनिकेशन पॉइंट ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक सब कमेटी गठित करने का फैसला होगा। सभी दलों की साझा रैली और आंदोलन के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सब कमेटी बनाने पर चर्चा होगी। हर राज्य में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात होनी है। ईवीएम से जुड़े सवाल और ईसीआई के सुधार के लिए सुझावों पर चर्चा होगी। गठबंधन का नाम को लेकर आए सुझाव पर भी बैठक में मंथन किया जा सकता है। साथ ही प्रस्तावित गठबंधन के लिए एक कॉमन सेक्रेटेरिएट बनाने पर भी सभी नेता बात करेंगे। 2 जुलाई को भतीजे अजीत पवार के पार्टी तोड़ने के बाद शरद पवार अकेले पड़ चुके हैं। अजीत ने पार्टी पर दावा करने के साथ ही शरद पवार को अध्यक्ष पद से भी हटा दिया। अब शरद पवार की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी उनके पास बची रहे। इस बीच 17 जुलाई को बागी विधायक 2 दिन में दूसरी बार शरद पवार से मिलने चले गए। रविवार 16 जुलाई को भी अजीत पवार 8 मंत्रियों के साथ शरद पवार से मिले थे। इससे पहले अजीत पवार 14 जुलाई को भी उनके घर गए थे। इससे महाराष्ट्र की राजनीति को समझने का दावा करने वाले लोग भी उलझ गए हैं कि ये क्या हो रहा है। कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं कि किसके साथ जाएं और कहां जाएं। एनसीपी की टूट पर तावड़े कहते हैं यही शरद पवार की राजनीति है। अजीत पवार का उनसे अलग होना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। मैं 40 साल से उन्हें जानता हूं, मुझे उनका स्वभाव पता है, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल की एक रैली 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले पर एक्शन की बात कही। इसके बाद अजीत पवार बीजेपी के खेमे में पहुंच गए। अजीत पवार अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शरद पवार की सीटों के साथ विधानसभा में एनसीपी की सरकार लाएंगे, ऐसा विपक्षियों का मानना है। चंद्रकांत तावड़े ही नहीं, बारामती के लोग और एनसीपी कार्यकर्ता भी दबी जुबान में कह रहे हैं कि अजीत पवार का एनसीपी से अलग होना शरद पवार की स्ट्रेटजी हो सकती है। कंडीशन कोई भी हो, फायदा एनसीपी को ही होगा। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में ये सिनेरियो बन सकता है। अजीत पवार के बीजेपी के साथ आने से सरकार में एकनाथ शिंदे कमजोर पड़ रहे हैं। अजीत पवार ने 55 से 60 सीटें जीती तो बीजेपी के अलावा महाविकास अघाड़ी के साथ भी सरकार बना सकते हैं। शिवसेना के टूटने के बाद एनसीपी महाराष्ट्र में दूसरे नंबर की पार्टी बनी रहेगी। अजीत पवार के मजबूती से आखिरकार शरद पवार को ही फायदा होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे एनबीसी भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।